और तालियों से और मंचा से भी, क्योंकि ये दृश्य आपको 1 करोड़ लोग देख लेंगे। अरे अगर स्वागत है तो पहले उनको बुला लो, बॉस लोग सही समझे ध्यान रख दिया। बॉस का स्वभाव भी ध्यान में रखना और बॉस को उत्साह आना। बॉस को तो प्यार से, मैं भी प्यार से बात करता हूँ, तो पहले रितिन जी को बुला लो आप। जना बिरा भाई तू पीछे सो समझ रही है, पीछे गोचो करने वाला मैं लिया दिया, मैं चलिया तू पीछे लफड़ो करे जो सामने आ गया बारी। मैं डायलॉग घड़ी पहुंचू, डायलॉग दिरबारो माता करे। या तो आप मेरे को उकसाने के लिए योजना की होगी, उकसाओ मत, मेरा प्रेम पूर्वक निवेदन है। अपन वो कड़ी बोल रहे थे विपिन जी रावत के लिए और जो झुंझुनू के अंदर जो आज तक शहीद हुए हैं उनके लिए, ताकि अपना प्यार प्रकट करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं। तो दोनों हाथ से मिट्टी मिट्टी तालियों से केवल वो एक कड़ी लूंगा मैं। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। ये झुंझुनू में जितने भी शहीद हुए हैं, हम सब ने अपने हृदय के भाव प्रकट करके उनको श्रद्धांजलि दी है, क्योंकि झुंझुनू वीरों की भूमि है। अपन अलग अलग सब लेंगे, सरस्वती वंदना लेंगे, जोश भी मैं आपको दिलाऊंगा, मीठी भी बात करूंगा, तीखी भी बात करूंगा, लेकिन थोड़ा उकसाना मत। तो बात घड़ी को आगे लेते हैं। तलवार तलवार, हाँ ये तलवार का भी आपके कार्यक्रम ले लेंगे सारे लेंगे। अब सभी जो युवा बंधु है ध्यान देना कि आजकल क्या है युवाओं के अंदर, थोड़ा मिलावट बोलो या खरी खरी बोलो, मिलावट करो खरी, ठीक है। तो पहले ये था शास्त्रों के अंदर, काट चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, यानी कौवे की तरह है चेष्टा, बगले की तरह ध्यान, काट चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा, कुत्ते की तरह सावधान होकर नींद, स्वान निंद्रा तथा अल्पहारी विद्यार्थी को कम भोजन करना चाहिए, गृह त्यागी पहले गुरुकुल हुआ करते थे और आजकल हॉस्टल भी है, लेकिन ये तो आजकल है नहीं, और आजकल हो गया क्या फिल्म चेष्टा, इश्क ध्यानम, और आपका हो गया फिल्म चेष्टा इश्क ध्यानम घोर निंद्रा तथा बोतल थारी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये साथियों आपको इतना जरूर है कि ऊंचाइयों का नहीं रसातल में ले जाएगा। आजकल कई लड़कों को देखते हैं फिल्मों के अंदर ध्यान, लक्ष्य तरफ ध्यान नहीं है, इसके अंदर ध्यान कौन किधर जा रही है उधर आपका ध्यान, ज्ञान की बात पसंद आवे। घोर निंद्रा, अब 11 बजे तक उठो, पहले विद्यार्थी का ये नियम था कि 5 बजे उठना चाहिए था, और मांसाहारी और बोतलधारी, मैं शाम को कभी भी किधर से निकलता हूँ देखता हूँ 8 बजे के बाद में सूर्यास्त के बाद में एक पैर तो इधर पड़ता है एक पैर इधर पड़ता है, तो मैं मानता हूं कि ये आपके जो 5 साल है ये बहुत आपके अच्छे निकलेंगे, लेकिन 55 साल मजदूर बनकर रह जाएंगे, इस बात का ध्यान देना। और अगर आप 5 साल
खूब कॉलेज के अंदर पसीना बहा करके पढ़ाई कर लेंगे तो एक दिन आपको लोग सैल्यूट मारेंगे, ये बॉस कह रहा है आपको। हाँ मैं कह रहा हूं कि इस चीज को ध्यान दें आप। पहले अगर आप मेरी बात को सुनना, भगवान श्री राम वनवास गए थे, जब राजतिलक होने जा रहा था तो पहले 14 साल का वनवास हुआ और फिर उन्होंने राज भोगा। भगवान श्री कृष्ण धरती पर जन्म लिया नहीं, उससे पहले उनके ऊपर संकट आना शुरू हो गए। तो इसलिए अगर आप पहले तप लेंगे, पहले दुख पालेंगे, तो फिर 55 साल मतलब आरएस आईपीएस कोई भी आप बड़े अधिकारी बने, लोग आपको सलूट मानेंगे। विद्यार्थी ये देखो आप, ये कह रहा हूं क्योंकि ये मीठी बात मैंने कह दी है। याद करो वह समय जो आपके माता पिता जिन्होंने खेतों में काम करके मजदूरी करके आपको पढ़ाया है और उन्होंने कॉलेज इसलिए भेजा है कि हमारा बेटा आगे जाकर के नाम रोशन करेगा और बीड़ बुढ़ापे की लाठी बनेगा, और आप जाकर के वहाँ किसी के चक्कर में उलझ जाते हो तो फिर ये अच्छी आपको ये मालूम नहीं है तो आप जिसके चक्कर में उलझ रहे हो वो भी तो किसी को चार को उलझा रही है। आप तो मेरी बात को हमेशा उल्टी ले रहे हो। एक बार क्या हुआ कि मैं कहीं बाहर गया था तो ऐसे ही कोई देखा और सुना था कि एक बहुत बड़ा था रेस्टोरेंट। क्या था? रेस्टोरेंट। अब रेस्टोरेंट के अंदर क्या हुआ, मैं रोको ना ना हाँ भैया क्या बजे तो लड़कम करो बजे। रेस्टोरेंट के अंदर क्या हुआ कि आप तो जानते ही हैं कि कोयल का जो जोड़ा होता है वैसे ही जोड़े बैठे थे टेबलों के ऊपर। बहुत अच्छी बात है, 10 टेबलें थी, 10 टेबलों पर जोड़े बैठे थे। अब आप समझ गए जोड़े कौन से। उस समय एक मधुसूदन जी जैसा शर्मा जैसा एक आया था लड़का उस रेस्टोरेंट के अंदर, अध्यक्ष साहब जैसा आया। आया तो उन्होंने एक ऐसे ही फोन पे ऐसे ही एक डायलॉग दिया, अरे सुने रे थारे बाप फलानी फलाने के साथ बैठी है, अब सुनती दर्शना के बे माकी बे बैठी लड़का के साथ में दर्शन क्यों हमारी फोन नहीं भूल जाए एक नहीं चढ़ तो रखे यहाँ चारों ही मेरे दर्शन की दर्शन बारे दौड़ गई। तो वास्तविकता की हकीकत है, वास्तविकता की हकीकत है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मैंने ये प्रसंग इसलिए दिया है, इसलिए आपको सावधान रह करके आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि आपको उलझना नहीं है। आप हो सकती है कि अपने परिवार देश जिला समाज के अंदर आप युवा शक्ति नाम करने वाले हैं। आप ही वही हैं चंद्रशेखर आजाद हैं, आप ही वही हैं तेजाजी महाराज के रास्ते पर चलने वाले, और आप ही वही हैं मोदी के रास्ते पर और प्रधानमंत्री और पीएम बनने वाले। आप ऐसे ही रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं हाँ, क्योंकि उस अत्यधिक उस ओर आप गए, निम्न स्तर पर आप जाएंगे तो केवल साथियों मैंने कई लोगों को देखा है फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं है। अभी तो आपका एक धर्म बनता है, कोई के कुशालगिर जी के ताबे आएगी, मैं छाती ठोकर को मारा ताबे आएगी, आ देख लो बोले आराम मुझे वाला भी है लेकिन ताबे आया नहीं, देखो आ करनी पड़ी हमें। अगर ये करना सीख गया तो आप भी महामंडलेश्वर और जगत गुरु बन सकते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर और उद्योगपति के अंदर। मैं खुद पहले करोड़पति था, करोड़पति और अरबपति बनना कोई बड़ी बात नहीं है, और राजनीति के अंदर कोई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनना वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए थोड़ा तपना होगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि बॉस राजनीति के अंदर जाना चाहता है, राजनीति के अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि शेर को वो लगाम लगाना चाहते हैं, ये कुशालगिरी को बर्दाश्त नहीं। शेर स्वतंत्र रहता है, लगाम घोड़ों के लगती है और बैल के नाथ लगती है और ऊंट के मोरी लगती है, शेर के लगाम नहीं लगती है और ये शेर लगाम लगवाना नहीं चाहता है। इसलिए ये दहाड़ेगा हिंदुत्व के लिए, ये दहाड़ेगा राष्ट्र के लिए, ये दहाड़ेगा गौ रक्षार्थ के लिए ही ये दहाड़ेगा, और आप युवाओं के लिए दहाड़ेगा, ये कुशालगिरी आपके भलाई के लिए बात करेगा। कहेंगे आपको ये नहीं बोलना है वो नहीं बोलना है तो मारो कौन को मतलब है, अगर आपने कौन को मतलब 2000 को नोट वैसे ही है, 2000 को नोट जेब के मायने है तो 500 503 के नोटा की जरूरत कट है।
उसी तरह विधायक से और सांसद से ज्यादा पावर ऐसे ही रखता हूं मैं, तो विधायक होकर के खड़ा होकर मतलब क्या है? देखा नहीं, ठाट से जाता हूं, ठाट से आता हूं, विधायक से भारी चलता हूं मैं, फिर मतलब क्या मैं अपनी जो दहाड़ है उसके ऊपर मैं अपना मतलब क्या शिकंजा क्यों कसवाऊं? तो ये तो एक मूर्खता होगी। जिसके पास में अगर 2000 का नोट है और कहता है कि ये 500-500 का तीन नोट ले लो, वो मूर्ख व्यक्ति होगा। इसलिए मैं तो इसी तरह दाड़ता हूँ और इसी तरह बोलता हूँ। और नवलगढ़ से पहले फोन आया था कि महाराज जी आप कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। पहले पुलिस फोन कर देती है हमारे गाड़ी के अंदर कभी बॉस कब तक आया है। आज कहीं भी जाता हूँ पुलिस को पहले सूचना होती है, सीआईडी भी अब मेरी बात को नोट करते हैं। ये कार्यक्रम है, सांस्कृतिक है, इसलिए मैं अपनी वो तेज आवाज बोलना नहीं चाहता हूँ, आपके हिसाब से ही मैं चलना चाहता हूँ। नवलगढ़ के अंदर कई कंपाउंडर ने यहाँ पर भी मेरे पास में कार्य किया है। मैं चार मिशन बता रहा हूँ शॉर्ट में। 18 एम्बुलेंस है। अभी एक भैया जी ने वर्णन किया था विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय के बारे में, लावारिस गौवंश के लिए 18 एम्बुलेंस है। एक 5 राज्यों से घरेलू गौवंश आता है। आपके परिवार के अंदर कोई भी गाय एक्सीडेंट है या रिश्तेदार में, मेरे पास भेजो, 1 रुपया नहीं लूंगा और 1 तैयार दूंगा आपको। रोजाना 100 गाय आती है मेरे पास में एक्सीडेंट है। 800 गौशालाओं से बीमार गौवंश आता है। आपके क्षेत्र के अंदर भी अगर गाय के इलाज नहीं हो रहा है गौशाला में, मेरे पास भिजवा दीजिए आप, मेरे बड़ा काम है, मैं 2 तैयार दे दूंगा, 2 बीमार ले लूंगा। चौथा 5000 कंपाउंडर तैयार करूंगा डॉक्टर, जिसमें नवलगढ़ और झुंझुनू की 150 कंपाउंडर हमने तैयार किए। 150 बात करता हूँ नवलगढ़ की, तो नवलगढ़ के अंदर एक शर्मा परिवार है, विशंबर जी शर्मा, उनके तीनों संताने यानी कि पूजा जी शर्मा और अजय जी शर्मा और रघुवीर जी शर्मा, उन्होंने विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय में अच्छी सेवाएं दी और आज भी उन्होंने मतलब क्या है यहाँ आने करके मेरा स्वागत किया। उन शर्मा परिवार को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से वहां पर काम किया। मैं शर्मा परिवार के भी कुशल मंगल की कामना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से मधुसूदन शर्मा के अच्छे के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ आप युवा आगे बढ़े, खूब मेहनत करें, खूब तरक्की करें, लेकिन लक्ष्य को मत भूलें। मैं कभी अपने लक्ष्य की ओर नहीं बोलता हूँ। कई लोग कहते हैं, कई तरह के मेरे पास आते हैं, आप बुरा मत मानना, लोग कई तरह के आते हैं, कई तरह में मेरा काम है उनको सम्मान करना। अगर आप नागौर आएंगे, कभी भी आएंगे, उधर से जोधपुर जाना हो, आप मेरे पास रुक करके जरूर जाएं, मैं आपका जवाई राजा की तरह स्वागत करूंगा और करता भी हूं। और अगर किसी का जन्मदिन है, मैं ये कह रहा हूं, अगर किसी का जन्मदिन है, होटलों पर कम से कम आप 10-20 हजार रुपए खर्च करते हो, होटलों के अंदर कई पार्टियां देते हो और आपको तो मालूम है, और ऐसे भी आप करते हो है? तो आप करना है? 1 रुपया मुझे मत देना, मेरे पास आना आप, और जन्मदिन ऐसा मनाऊंगा 1,00,000 लोगों को पता चलेगा और धूमधाम से साफा मैं पहनाऊंगा, माला मैं पहनाऊंगा, केक नहीं काटता हूँ। हाँ, लड़कों ने एक रास्ता जरूर निकाल दिया है, लड़कों ने एक रास्ता बीच का रास्ता निकाला है कि कुशालगिरी के आसे कुछ कटना चाहिए, तो इसलिए वो क्या है, केक तो मैं काटता नहीं हूँ संत हूँ, मैं अपनी संस्कृति से प्यार करता हूँ। तो आप जैसे कोई नवलगढ़ी जैसे होशियार लड़के थे कि महाराज जी आपको ये थोड़ा काटना है, मैंने कहा मैं ये केक नहीं काटता हूँ, बाकी आपका साफा पहना दूंगा, माला पहना दूंगा, अच्छा स्वागत कर दूंगा, 1,00,000 लोगों तक आपकी न्यूज पहुंचा दूंगा कि महाराज जी ये केक नहीं है, ये क्यों काई है, वो घेवर है, तो घेवर ला पर माता कटिंग करें। आप अगर घेवर लाएंगे खुशहालगिरी उसको कटिंग करके आपका जन्मदिन आपका जरूर मतलब करूंगा, मतलब आप घेवर लेके आ जाइए, मतलब समझ गए ना आप। तो 20-20 हजार रुपए बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, और फिर भी मतलब क्या बंद कमरे के अंदर हमारी सीन बाहर नहीं जाना चाहिए। आप तो 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, वह हमारे पास में ऐसा सिस्टम है। और ये मैंने इसीलिए मैंने किताब दी थी, इस किताब में लिखा हुआ भी है कि वहां पर जन्मदिन मनाने के लिए छोटे और युवा और बड़े भी आते हैं, शादी की सालगिरह के लिए भी आते हैं। कामधेनु सेना से आप जुड़िए, कामधेनु सेना से आप जुड़िए और निःशुल्क कार्ड बनता है और गौ सेवा करें आप, 1,00,000 लोगों तक आपकी मैं न्यूज पहुंचाऊंगा। कहने का मतलब है युवा साथियों, कुछ मैं मीठी बात करके फिर ओरिजिनल में बात करता हूँ, मीठी बात इसलिए करता हूँ ताकि वो युवा आए मेरी बात सुने, क्योंकि कोई भी चाहे वो जगत गुरु हो, महामंडलेश्वर हो, पीठाधीश्वर हो, युवा तो जाते ही नहीं है, बुजुर्ग महिलाएं जाती है, बुजुर्ग व्यक्ति जाते हैं, और जरूरत है आज देश को युवाओं की। तो मैंने एक तरीका निकाला कि युवाओं की नब्ज क्या है, मैंने आपकी नब्ज को टंटोला कि इनको कैसे वो खुश होते हैं, मैं आपको खुश करता हूँ। और फिर अपनी बात रखता हूँ कि 9 महीने तक गाय तकलीफ नहीं पाती है, लेकिन ये गर्मी के जो 3 महीने हैं, अप्रैल
मई और जून इन तीन महीने के अंदर धरती पर हरा घास नहीं होता है। एक तालाबों और जो छोटे छोटे नाड़ी है उनके अंदर पानी सूख जाता है, तो ना तो गाय को चारा मिलता है ना पानी मिलता है। उस समय गोवंश दाल के ग्रास समाता है। तो मेरा ये युवाओं से निवेदन है, अगर मैंने गाय की सेवा की है और उसकी बदौलत ये महामंडलेश्वर पदवी आई है और खूब ठाट बाट से हूँ, लेकिन दिल से ओरिजिनल मैंने गाय की सेवा की, अपने परिवार को सबको छोड़ करके गौ माता को ही मैंने माता पिता समझ करके इन गौवंश की सेवा शुरू की और मुझे रिजल्ट मिला। अगर आपको परीक्षा में पास होना है, अरबपति बनना है, आरएस बनना है, आईपीएस बनना है, घर के बाहर आप पानी की खेड़ी रखें और दो बाल्टी उसमें पानी डालें, एक सुबह और शाम, और बचा हुआ अन्न उसमें डाल दें। आप अगर मान लीजिए प्रदेश के युवा, लाखों युवा अपने घर के बाहर पानी की खेड़ी रख देंगे, लाखों बाल्टी रोजाना पानी डाल देंगे और थोड़ा बचा हुआ अन्न डाल देंगे, ये तीन महीने गायों के लिए संजीवनी होगा और आपके घर में सुख शांति समृद्धि और गाय की आपको आशीर्वाद मिलेगा और खूब ठाठे रहेंगे। महाभारत में कहा है, गौ भक्त मनुष्य जिस वस्तु की इच्छा पूरी करता है वह उसे सब प्राप्त होती है। स्त्रियों में जो भी गौ माता की भक्त है मनवांछित कामनाएं प्राप्त करती है। पुत्रार्थी मनुष्य पुत्र पाता है और कन्यार्थी कन्या। धन चाहने वालों को धन और धर्म चाहने वालों को धर्म की भी प्राप्ति होती है। मैं ये साफ तौर पर कहता हूँ, अगर आपको पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, या नोट चाहिए, या धर्म चाहिए, ये चारों प्रदान करने की ताकत गौ माता रखती है। जरूरत है आपको दिल से गौ माता की सेवा करने की। युवा साथियों, मेरा कहना मानना, ये तीन महीने ही गायों के लिए तकलीफ के हैं, बाकी नौ महीने आप अपना कुछ कर लेना भले, ये मैं आपको एक थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। और ये युवाओं से निवेदन करूंगा, मैं एक दूर से कोई भी हो, चाहे मैंने बजरंग व्यायामशाला चलाई राजस्थान के अंदर, मोटरसाइकिल के अंदर, बाइक के अंदर, राजस्थान चैंपियन था मैं, और मोटरसाइकिल मेरे अंगुलियों के इशारे पर चलती थी, चलती बाइक पर नाना धोना लिखना पढ़ना तलवार बंदूक चलाना ये मेरे, और एसपी की गाड़ी आगे रहती थी सीए की, वो फोटो और वीडियो भी मेरे पास है। लेकिन उसी तरह मैं ये कहता हूँ, बिजनेस मैंने अपने हिसाब से किया, गौशाला अपने हिसाब से चलाता हूँ, संत के हिसाब से अलग अलग तरीके से रहता हूँ, काम धन सना अलग तरीके से चलाता हूँ, मेरा जाने का आने का खाने का सब सारा सिस्टम अलग है। उसी तरह आपको भी सिस्टम अलग करना है। लीक लीक गाड़ी चले, लीक चले कपूत, बिना लीक तीनों चले, सिंह सुरा और सपूत, और आपको उठकर के चलना है। मारवाड़ी के मायने कहावत है, सो लड़िया चले ना टर, टर, उस तरह आपको नहीं चलना है। आपको वो अलग ही फेड़ बनना है, जो सो लड़िया होती है उनके अंदर आपका अलग ही जो है रुतबा होना चाहिए, अलग ही चाल होनी चाहिए, और इस तरह है आपको आगे बढ़ना है। और मैं तो यही कहूंगा, अगर बाज की तरह उड़ना है तो कबूतरों का आप साथ छोड़ देना और कबूतरों का भी साथ छोड़ देना। ये मैं साफ कह रहा हूं, और बहनों से निवेदन करूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं आपके बारे में कह रहा हूं, आपको इनके जो कोई भी है, आप अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दें। बहनों से निवेदन, बेटियों से निवेदन, और याद करें अपने माता पिता के लक्ष्य को और उनकी मेहनत को, खूब आगे बढ़ करके आप बेटियों को और बहनों को आगे बढ़ना है। अगर आपके अंदर योग्यताएं हैं, बहनों के अंदर, भाइयों के अंदर, तो आपके घर के अंदर आपको नहीं रहना है, आपको पढ़ाई करनी है, और आर्थिक स्थिति कमजोर है तो मैं आगे बढ़ने के रास्ते बता रहा हूं। 18 साल से कम है आप पढ़ाई करें, चाहे वह बेटा है चाहे बेटी है। फिर वो युवा पढ़ाई के अंदर तेज है तो आर्थिक स्थिति बीच में आ रही है तो प्राइवेट जॉब करें। उनके माता पिता से निवेदन, लड़कियों के माता पिता से निवेदन, लड़कों के माता पिता से निवेदन, आप अपने लड़के और लड़की को जॉब के लिए अच्छी जगह भेजें और जॉब करें और पढ़ाई करें, फिर सरकारी सेवा की तैयारी करें। भले ही वो थर्ड ग्रेड, उसकी भी आपके अंदर वो जॉब आ जाती है, सरकारी नौकरी लग जाती है। थर्ड ग्रेड पर रहते हुए भी आपको बड़े स्तर की पढ़ाई करनी है, आरएस आईपीएस बनना है, और उसके बाद में अगर ऊपर होता है आरएस आईपीएस से तो एक बिजनेसमैन ऊपर होता है। क्या होता है? और मैं बिजनेसमैन था, कहते मैं बता रहा हूँ, सुनना मेरी बात। आप थोड़े इधर आना, एक मिनट आगे हो, आप आगे हो, मान लीजिए, देखना आप, सुनना मेरी बात, मान लीजिए ये कलेक्टर है, सुनना, एक उदाहरण दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए मतलब इसने भ्रष्टाचार करके 5 करोड़ इकट्ठा कर लिए हैं, लेकिन जब रिटायरमेंट होगा तो इसका बेटा उस कुर्सी पर नहीं बैठेगा, एक बार। लेकिन अगर ये उद्योगपति है, कहने का मतलब करोड़ों का काम चल रहा है, लेकिन दुनिया के अंदर नहीं रहेंगे, मेरी भी उम्र लग जाए, लेकिन उस गद्दी पर, उस कुर्सी पर इनका बेटा ही बैठेगा, इसलिए बिजनेसमैन ऊपर होता है। बात को समझना,
इसलिए मतलब क्या है, आप रिटायरमेंट होते हुए भी उसके बाद में अगर आप बिजनेस शुरू करें, मैंने बिजनेस 5 बिजनेस शुरू किए थे और फुल नोट कमाए थे 2001 से लेकर के 2010 तक, फिर मैंने रास्ता अपना चेंज कर दिया गायों के लिए। इसलिए भगवान की कृपा है, मैं कह रहा हूँ आपके हाथ में है, लेकिन मैंने कभी भी ताश के अंदर, खेलकूद के अंदर, फालतू के अंदर, इधर उधर की बातों में मैंने अपना कभी भी समय नष्ट नहीं किया। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, अभी वक्त आपके हाथ में है। अगर मैं मान लीजिए अपन यहाँ से दिल्ली जाते हैं और दिल्ली जाते हैं, मान लीजिए दिल्ली यहाँ से 250 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर है, लेकिन एक भैया 1 घंटे पहले निकल गया और वो यहाँ से 60 किलोमीटर आगे निकल गया और आप यहाँ बैठे हैं, तो वो फासला कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। कहने का मतलब वो पहले वाला व्यक्ति दिल्ली पहुंचेगा, ठीक उसी तरह 18 साल का 22 साल का लड़का लक्ष्य की तरफ ध्यान रख रहा है और वह आरएस आईपीएस बनता है, और आप इस उम्र के अंदर खाओ पीवो मौज करो और झांसा दो इस नीति में रहेंगे, तो आप जीवन के अंदर वो दूरी कभी नहीं मिटा सकतेंगे, आर्थिक तंगी रहेगी, तब तक आपके ऊपर 1-2 लाख रुपए का कर्जा तक हो जाएगा। इसलिए शत्रु, कर्जा और बीमारी, ये तीनों चीजें जीवन के अंदर नहीं होनी चाहिए। ना मेरे कोई शत्रु है, ना मेरे कोई बीमारी है, ना कर्जा है, भगवान की कृपा है। तो इसी तरह इस युवाओं इस चीज को ध्यान दें। अभी आप कहते हो मम्मी थोड़े पैसे देना, पापा पैसे देना, और अगर मान लो वो नहीं देते हैं तो किसी से उधार लेते हैं, ये नौबत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो दूरी जीवन के अंदर कभी नहीं मिटेगी। अगर आपको ऊंचाइयों की तरफ बढ़ना है, और कोई कहते हैं कि राजनीति में आप क्यों नहीं जाते हैं, दूसरा कारण भी मैं बता देता हूँ, मारो नाम मतलब कहीं कुशालगिरी है, लोग बॉस कहते हैं, हर बॉस को सब आंटाना। अगर मान लो मैं कहते खड़े हो राजस्थान के मायने, विधायक के मायने और सांसद के मायने, और मान लो जीत भी गयो, मैं अब सर आपका मतलब ऑफिस छोड़ दूसरा जिला में ट्रांसफर करवा लें, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगे और आप मेरे पास आएंगे, मेरे बंगले पर आएंगे या मेरे आश्रम पर आएंगे, और मैं वहां कहूंगा और उसके वहां पर 100 आदमी लेकर के जाऊंगा, अरे अफसर इन लड़कों को काम करे या कौन करे, नहीं तो दबको देर बार खड़ूंगा ध्यान रखो। तो इसलिए मतलब क्यों अफसरों के तकलीफ करवाना चाहते हो, बेटा बेटा कमार ढूंढ दो मैंने, भ्रष्टाचार कर दो मैंने, और का ही है, नहीं तो बैंक फेरू कोई दुख हुई। हाँ, तो इसलिए मतलब क्या है, शांति से बैठा हूँ, नहीं तो कई अफसरों के आपके जो जो विभाग के अंदर समस्या होगी, चाहे वो बिजली विभाग हो, पानी विभाग हो, चाहे वह मतलब क्या है हॉस्पिटल हो, तो डॉक्टर बैठे टिकी को नहीं, तो नहीं जब मैं डॉक्टर नहीं आंगना फेरन दो वार्ड से माते कुर्सियां माते, नहीं तो मतलब क्या है उनके समस्या हो जाएगी, क्योंकि मैं कड़क मिजाज का आदमी हूँ, गर्म मिजाज का आदमी हूँ, अरे वो अफसर काम नहीं करे तो बस तांटा ही है वो थोड़ो दबको देर बारह खड़ी है। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और ध्यान देना, मैं निवेदन करूंगा डायलॉग के अंदर तो ये है, कभी इन्होंने बोला था धक्को देर किसको देना, नवलगंड के अंदर कोई भी समस्या है धक्को देर बारह काटो और 3 बार अफसर को समझा दो, कोई भी विभाग है, कोई भी ऑफिस है, बॉस ने हमारे को कह करके गए हैं भाई मैं 3 बार आ गया हूँ कोई प्रमाण पत्र के लिए, कोई काम के लिए, फलाना काम के लिए, फिर वो टेबल पर आदमी काम नहीं करता है, तो बिन डायलॉग सुना दीजिए, अफसर ध्यान दीजिए बॉस को आदमी हूँ धक्को देर बारह खड़ूला। आजकल लड़के क्या करते हैं, लड़के ये काम, क्योंकि राजस्थान पुलिस मेरे ऊपर खूब मेहरबान है, राजस्थान पुलिस मुझे खूब चाहती है, जैसे आप चाहते हो ना, वो राजस्थान पुलिस वाले भी मेरे मतलब फैन है, कांस्टेबल हो, सीआई हो, 1 स्टार हो, 2 स्टार हो, तो लड़कों ने एक तरीका निकाला है, लड़के तो मतलब क्या गाड़ी लेके बाइक निकलते हैं और निकलते पकड़े जाते हैं, किसी के हेलमेट नहीं है, लाइसेंस नहीं है, कुछ न कुछ कमी रहती है, तो मैं ना देखो बॉस को आदमी हूँ, बॉस को कहते भाई गाड़ी फ्री कर दे, तो इसलिए देश को दुश्मनों को धक्को देकर के बाहर निकालेंगे, मैं 3 बार बोलूंगा आप कहना धक्को देर बार काट, देश के दुश्मनों को आनंद नहीं आया उसका, थोड़ा अभिड़ बोलो, देश के दुश्मनों को, देश के दुश्मनों को, देश के दुश्मनों को। और अब आपने कहा था ना तलवार, मैं आपकी भी प्रत्येक व्यक्ति की बात रखता हूँ, तो अब आपको भारत माता के प्रति प्यार रखते हुए, वतन के प्रति प्यार रखते हुए और अपनी श्रद्धा के पुष्प अर्पित करते हुए दोनों हाथ खड़े करके जयकारा लगाएंगे, और जो जयकारा नहीं लगाता है